बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास नाइन्थ हम पढ़ रहे थे चैप्टर वन मैट्रिसेस। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर तकरीबन आज कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट टाइम हम कर रहे थे एक्सरसाइज 1.6, आज हमारी आखिरी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें हम सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले से। रिव्यू एक्सरसाइज में दोबारा जो होल चैप्टर है उसको रिवाइज किया जाना। ठीक है, तो हम लोग लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्रैमर। क्या पढ़ा था? क्रैमर, क्रैमर रूल। क्रैमर रूल पे जाने से पहले कि क्रैमर रूल क्या है, हम जरा देखते हैं कि क्रैमर हमारे पास कौन था। ठीक है, या जिसने कॉन्सेप्ट दिया था क्रैमर रूल का, क्रैमर आपके पास कौन था? क्रैमर आपके पास एक मैथमेटिशियन था। क्रैमर हमारे पास इज ए क्रैमर हमारे पास कौन था? मैथमेटिशियन। हमारे पास एक मैथमेटिशियन था जो हमारे पास पैदा कब हुए थे? ये मेरे पास पैदा हुए थे, कब पैदा हुए थे मेरे पास? 31 जुलाई 1704। ठीक है, 31 जुलाई 1704 में ये पैदा हुए थे। और ये कब फौत हुए थे? ये मेरे पास फौत हुए थे 4 जनवरी 1752 में। 1752 इनके फादर का नाम था, फादर का नाम इनका क्या था? जीन कार्नर, जीन क्रैमर। क्या नाम था? जीन क्रैमर। और इनके फादर फिजिशियन थे। ठीक है, वो क्या थे? फिजिशियन। दूसरी बात, इनकी टोटल एज क्या बनती है? इनकी टोटल एज बनती है 47 ईयर। दिस अबाउट क्रैमर, के क्रैमर आपके पास कौन था? क्रैमर एक मैथमेटिशियन था। कहां का? फ्रांस, फ्रांस, फ्रांस में गेनिवा, गेनिवा का रहने वाला था। फ्रांस गेनिवा का रहने वाला था और इसका कंप्लीट नाम था गिब्रील, गिब्रील क्रैमर। क्या नाम था? गिब्रील क्रैमर। क्रैमर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं कि क्रैमर आपके पास कौन था। क्रैमर का नाम था गिब्री क्रैमर, मैथमेटिशियन था फ्रांस का, और कहां पे रहता था? गेनवा, फ्रांस की सिटी गेनवा में रहता था। कब पैदा हुए थे? 31 जुलाई 1704 में, और फौत कब हुए थे? 4 जनवरी 1752 में। तो इनकी जो टोटल एज बनती है वो 47 ईयर है, और इनके फादर का नाम था जीन क्रैमर, और ये हमारे पास क्या थे? फिजिशियन थे। ठीक है, यह हमारे पास क्रैमर का इंट्रोडक्शन है। अब हम बात करते हैं, आप ये सब कुछ आप पढ़े हुए हैं, दोबारा मैं आपको रिवाइज करवा कि क्रैमर रूल है क्या। क्रैमर हमारे पास, क्रैमर रूल कहां भी यूज करते हैं? क्रैमर रूल अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है उसके हमने सॉल्व करना है थ्रू मैट्रिसेस, तो हम मैट्रिसेस के अंदर क्रैमर यूज करते हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। For the solution of linear equation, linear equation को Cramer rule लगा के हम solve करते हैं matrices के अंदर। मतलब कि हमारे पास Cramer rule matrices के अंदर linear equation को कैसे solve किया जाता है, इसके लिए हम क्या use करते हैं? Cramer use करते हैं। ठीक है, for example, ax1 plus by1 is equal to, let's put लिखा हुआ है c, और आपके पास लिखा है dx1 plus e y2 is equal to, मेरे पास लेट्स में लिखता है f। ठीक है, ये मेरे पास कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है और उसको मैंने सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर। ठीक है, तो सबसे पहले इन इक्वेशन को हम कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। इसमें कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म, ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगा कि हमारे पास क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को कैसे मैट्रिसेस क्रैमर रूल की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नहीं जाते इस डिटेल पे, ये पढ़ा हुआ है, जस्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्रैमर रूल, क्रैमर रूल की डिफिनेशन क्या है। अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन है, और दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है और आपने इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ क्रैमर रूल, तो हम क्या करते हैं, क्रैमर रूल को कैसे डिफाइन करते हैं? क्रैमर रूल कहता है कि इन इक्वेशन का जो पहला रूट होगा एक्स रूट, वो बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसी तरह जो दूसरा रूट वाई रूट होगा वो बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये है मेरे पास क्रैमर रूल की डिफिनेशन। अब बाकी
a determinant of a क्या है, a x क्या है, a y क्या है, ये आप देखते हैं, ठीक है। अब अगर इन इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं, इन दो इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं, तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगा, मैट्रिक्स फॉर्म मेरे पास बनेगा इसका, मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगा, देखो जरा, ये मेरे पास a, दिस इज b, दिस इज d और दिस इज e, ठीक है, इज इक्वल। और दूसरा मेरे पास क्या बनेगा, कौन कौन सी वेरिएबल है, एक है x1, दूसरा है y1, ठीक है। अब सिंपल x कह दें, ax प्लस by ex, तो मेरे पास कौन कौन सी वेरिएबल है, x और y, और यहां पे जो मैट्रिक्स इसको मैं कहता हूं, ये क्या है मेरे पास, cf। ये पहला स्टेप होगा कि हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करना है किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर दूसरे स्टेप में इनको नाम देंगे, ये मेरे पास a है, ये x, और ये मेरे पास क्या है, b, ठीक है। ये दूसरा स्टेप होगा नाम देंगे, ये पहले पढ़ा हुआ है, मैं जनरली दोबारा बता रहा हूं। उसके बाद हम लोगों ने क्रैमर रूल लगाना है, कार्डन टू क्रैमर, कार्डन टू क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल हम लोगों ने कहा था कि क्या होता है, पहला रूट x रूट इन दो इक्वेशन का जो पहला रूट होगा वो क्या होगा, a x का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, एंड जो दूसरा रूट होगा y is equal to a y का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, ठीक। अब a जो a तो आपको पता है, ये मेरे पास a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है। अब a x और a y की चीजें डिटरमिनेंट लेना आसान है, आपको a का डिटरमिनेंट निकाला, यहां से भी a का डिटरमिनेंट, यहां से भी a का डिटरमिनेंट आ जाएगा, फिर क्या रह गया, a x का डिटरमिनेंट, a y का डिटरमिनेंट। तो पहले हम निकालेंगे a x मैट्रिक्स, x मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, चूंकि पहला रूट हम निकाल ले, पहला रूट क्या है x, इसलिए मैट्रिक्स a के अंदर जाएंगे, जो पहला कॉलम है इसको खत्म करेंगे, रिप्लेस करेंगे विद द किसके साथ, b मैट्रिक्स के साथ। तो x के लिए मैट्रिक्स a का पहला कॉलम खत्म करेंगे, पहले रूट के लिए पहला कॉलम खत्म करेंगे, पहला कॉलम क्या है a, इसको खत्म करेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, b मैट्रिक्स, b मैट्रिक्स क्या है, cf, और दूसरा रूट अपनी जगह पे रहेगा b, ठीक है। क्या समझ आई है कि x मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, x क्योंकि पहला रूट है, पहले रूट के लिए मैट्रिक्स a के अंदर जाएंगे, पहला कॉलम खत्म करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, उसकी जगह मैट्रिक्स लिखेंगे b, ठीक है, और दूसरा कॉलम अपनी जगह, फिर इसके बाद इसके क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, जैसे इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, ठीक है, जो डिटरमिनेंट का तरीका है। उसके बाद AY मैट्रिक्स कैसे बनेगा, AY मैट्रिक्स कैसे बनेगा, x के लिए हमने पहला कॉलम खत्म किया था, अब दूसरा जो रूट है y रूट, उसके लिए मैट्रिक्स a के अंदर जाएंगे, दूसरा कॉलम खत्म करेंगे, दूसरा कॉलम क्या है, BE, इसको खत्म करेंगे किसके साथ, b के साथ, मैट्रिक्स b के साथ, ठीक है। y जो रूट है उस मैट्रिक्स, चूंकि y दूसरा रूट है, इसलिए मैट्रिक्स a के अंदर जाएंगे, दूसरा कॉलम खत्म करेंगे, किसके साथ खत्म करेंगे, जो मैट्रिक्स b है उसके साथ खत्म करेंगे, और पहला कॉलम अपनी जगह, पहला कॉलम क्या है a, तो ये मेरे पास b मैट्रिक्स, उसके बाद a y का क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट निकाल देंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, क्रैमर, क्रैमर रूल, लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं क्रैमर रूल। क्या डेफिनेशन क्रैमर रूल की, कि लीनियर इक्वेशन का जो पहला रूट होता है x रूट, वो बराबर होता है x का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट, जो दूसरा रूट होता है वो बराबर होता है y, a y का डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a का डिटरमिनेंट। अब ax मैट्रिक्स कैसे बनता है, एक आपको समझ आ गया, नाम दे देंगे, x मैट्रिक्स कैसे बनेगा, क्योंकि x पहला रूट है, इसलिए मैट्रिक्स a के अंदर जाएंगे, पहला कॉलम खत्म करेंगे, जो y रूट है, दूसरा रूट है, उसके लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स a के अंदर जाएंगे, दूसरा कॉलम खत्म करेंगे, किसके साथ खत्म करेंगे, मैट्रिक्स b के साथ खत्म करेंगे। ये मेरे पास था क्रैमर। आज हम लोगों ने पढ़ना है रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर, कुछ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चन है उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो पहला सवाल है क्या है, कहता है फाइंड x एंड y, रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर वन का, ठीक है। क्वेश्चन टू, पहले मैं ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन टू में करता हूं, ऑब्जेक्टिव भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। क्वेश्चन है कि फाइंड एक्स वाई, एक्स भी फाइंड करना है, वाई भी फाइंड करना है, क्या कंडीशन है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहला मैट्रिक्स है x माइनस वन फोर y प्लस थ्री माइनस सेवन, ये बराबर है इज इक्वल टू
जीरो फोर माइनस टू माइनस सेवन। कहता है कि फाइंड एक्स एंड वाई व्हेन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब आपको पता है कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती है, ठीक है, अगर मेरे पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, ये मैट्रिक्स ए और बी कब इक्वल होंगे, ए बी सी डी इज इक्वल टू वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। अगर मैं कहता हूं कि ये दो मैट्रिक्स बराबर होते, याद रखना हर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, ए किसके बराबर होगा वन के, ये क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है, बी किसके बराबर होगा बी बराबर होगा टू के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है, सी किसके बराबर होगा सी बराबर होगा थ्री के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है, डी बराबर होगा फोर के, ये क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट है, तब ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इसी तरह यहां पर भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड एक्स एंड वाई व्हेन दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस, इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन कि उनका हर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे, y माइनस वन बराबर होगा जीरो के, फोर बराबर है फोर के, y प्लस थ्री बराबर होगा माइनस टू के, माइनस सेवन बराबर है माइनस सेवन के, हर क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर लेंगे, ठीक है, बाय कंपेयर एंड अब हम कंपेयर करते हैं, बाय कंपेयर एंड द क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करो, x माइनस वन का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट यहां पे क्या है जीरो, हमें चाहिए x, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, मुझे चाहिए x, x के साथ वन क्या हो रहा है माइनस, उसको सेट शिफ्ट करके क्या हो जाएगा, और जिस चीज x के साथ माइनस हो वो कैसे खत्म होती है, उसको दोनों साइड पे ऐड कर दो या सिंपल वन यहां पे माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस, x इज इक्वल टू जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा वन, x की वैल्यू आ गई, मुझे x ही चाहिए, ठीक है। एंड दूसरा देखो, नाउ दूसरा एलिमेंट फोर इज इक्वल टू फोर, कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, y प्लस थ्री किसके बराबर होगा माइनस टू, y प्लस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री, y प्लस थ्री का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट माइनस टू, कंपेयर कर दिया, मुझे चाहिए y, y के साथ थ्री क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस टू थ्री, उधर जाके माइनस टू में से माइनस हो जाएगा, माइनस टू माइनस थ्री, क्या किए थ्री यहां पे प्लस उस साइड पे जाके माइनस हो गया, ठीक है। y इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस माइनस टू और माइनस थ्री कितने हो जाएंगे माइनस फाइव, y की वैल्यू भी आ गई, ठीक है, और माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस सेवन, मेरा काम हो गया था, मैंने क्या किया है एक्स और वाई फाइंड करना, एक्स कितना आया वन और वाई कितना आया सेट फाइव, ये हमारे पास क्या है इसका सोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री देखिए आप लोग, क्वेश्चन थ्री आप लोगों के पास, क्वेश्चन थ्री क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट इफ पॉसिबल, फाइंड कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट, दो मैट्रिसेस दिए कहते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो सकते हो, मल्टीप्लाई हो सकते हो, ठीक है, तो देखते हैं कि हो सकते या नहीं हो सकते, क्या है वन माइनस फाइव, वन माइनस फाइव थ्री एक मैट्रिक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ माइनस सिक्स फाइव एट, माइनस सिक्स फाइव एट जीरो फोर माइनस वन। अब चूंकि इसने कहा है कि अगर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, देन क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, पहले देखते हैं कि इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं। अब आप लोगों ने पूरा चैप्टर पता है, आपको पता होना चाहिए दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकता है, हम कैसे फैसला करेंगे, याद रखना हमेशा पहले मैट्रिक्स में जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे, दूसरे मैट्रिक्स में जाएंगे नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे, अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हुए तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चेक करते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, इन फर्स्ट मैट्रिक्स, याद रखना हमेशा पहले मैट्रिक्स में क्या चेक करेंगे नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स में नंबर नंबर ऑफ कॉलम चेक करो, कितने नंबर कॉलम है ए के कॉलम है, कितने कॉलम है ए के कॉलम,
नजर आया ए की कानून, ठीक है। दूसरे मैट्रिक्स के अंदर जाओ, क्या चेक करेंगे, रोज चेक करेंगे, कितने रोज इसके अंदर नजर आ रहे, पहली रो दूसरी रो, दो रोज, नंबर ऑफ रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ये दूसरा मैट्रिक्स, इसके अंदर हमने चेक करना है नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज है सबको नजर आ रहे, दो रोज, कितने रोज है दो। अब बताएं ना ये पॉसिबल है अभी या नहीं पॉसिबल, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है नहीं पॉसिबल, क्यों, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज के बराबर तो नहीं है, पहले में एक कॉलम है दूसरे में दो रोज है, नंबर बराबर तो ना हो गए, तो हम कहेंगे सो इट इज या हम लिखेंगे सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारे पास कंडीशन फुलफिल नहीं होती, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर नहीं है, ठीक है, ये पढ़ा हुआ है, दोबारा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया, ये पहले चैप्टर के अंदर पढ़े हुए और ऐसे पूरी एक्सरसाइज आने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या है 6 - 3 - 5 - 2, फाइंड द मैट्रिक इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, याद रखना इनवर्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब इसने यहां पे क्लियरली कहा कि कौन सा इनवर्स फाइंड करें, ठीक है, अब दोनों फाइंड कर देते, दोनों आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है, वैसे अमूमन जब इनवर्स आएगा आप लोगों ने कौन सा फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के साइन चेंज करना, किसी भी मैट्रिक्स के साइन चेंज करना, इसका एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, इस ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके साइन चेंज करें, जो प्लस है उनको माइनस बना दे और जो माइनस उनको प्लस बना दे, क्या हो जाएगा -6 ये हो जाएगा +3 ये हो जाएगा -5 ये हो जाएगा +2, ये एडिटिव इनवर्स सिर्फ साइन चेंज, ठीक है। एडिटिव इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स डिटेल से पढ़ो, इस पे ज्यादा बात नहीं करते, हम लोग फाइंड करते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। पहली बात मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिनोट करते हैं ए के ऊपर -1, याद रखना जब भी आपके पास सवाल आएगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स तो आप लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। मैंने इसलिए एडिटिव इनवर्स फाइंड किया ताकि आपको लोगों को रिवाइज करवा सकूं, ठीक है। अब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को डिनोट करते हैं ए के ऊपर -1, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मुझे चाहिए, ठीक। अब पहली दूसरी बात मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जवाब कितना दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब कि मैं अगर इस मैट्रिक्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूं या ए इनवर्स को इस ए के साथ मल्टीप्लाई करूं जवाब क्या आएगा, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 0 0 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू होती है 1, क्या वैल्यू होती है 1, मतलब कि ये मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है वही जवाब आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का एक ऐसा मैट्रिक्स जो उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जवाब कितना दे, 1 दे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप लोगों ने इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का आपके पास फार्मूला होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स का बराबर होता है 1 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, इक्वेशन 1 में नहीं देता, हम सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे फिर एडजॉइंट निकालेंगे, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे आपके पास इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या है 6 - 3 - 5 - 2, 6 - 3 - 5 - 2 डिटरमिनेंट निकालो, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट
बीच में क्या होता है माइनस सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव। डिटरमिनेंट ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स होता है क्या होता है द डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मेन डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल का जो डिफरेंस होता है। ठीक है प्रोडक्ट का डिफरेंस होता है मतलब फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय लास्ट माइनस सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड। फर्स्ट क्या है सिक्स लास्ट क्या है माइनस माइनस टू बीच में माइनस सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड सेकंड क्या है माइनस थ्री और थर्ड क्या है फाइव। ठीक है अब सिक्स टू जार ट्वेल्व कितना ट्वेल्व माइनस और फाइव थ्री जार फिफ्टीन कितना फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन। ठीक है माइनस ट्वेल्व माइनस माइनस प्लस फिफ्टीन फिफ्टीन में से ट्वेल्व निकाला कितना आ जाएगा थ्री। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया थ्री। अब आप लोग बताए ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्यों डिटरमिनेंट थ्री है जीरो तो नहीं है। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो होता है वो सिंगुलर होता है और जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो ना हो क्या होता है नॉन सिंगुलर। और याद रखना नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जबकि सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता क्योंकि वन डिवाइडेड बाय यहां पे अगर जीरो आए वन डिवाइडेड बाय जीरो फिर क्या बन जाता है अनडिफाइंड। ठीक है इन्फिनिटी बन जाती है इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है चूंकि नॉन सिंगुलर है इसलिए इनवर्स पॉसिबल हम लिखेंगे इनवर्स इज पॉसिबल। डिटरमिनेंट आ गए अब हमें क्या चाहिए एडजॉइंट। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए टू क्रॉस टू का एडजॉइंट होता है पहले और आखिरी या मेन डायगोनल की प्लेसेस चेंज करो सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करो। ठीक है मेन डायगोनल पहले और आखिरी की जगह चेंज करो आसान सी बात पहले और आखिरी की जगह चेंज करो माइनस टू सिक्स जगह चेंज कर दिए बाकी दोनों के सिर्फ साइन चेंज करो माइनस से प्लस कर दो प्लस से तो माइनस कर दो। अब ये माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या है प्लस ये हो जाएगा माइनस। तो टू क्रॉस टू का एडजॉइंट क्या होता है कि मेन डायगोनल के प्लेस चेंज करना सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज करना। ठीक है अब डिटरमिनेंट भी आ गया एडजॉइंट भी आ गया ये दोनों वैल्यू कहां पे पुट करेंगे ए इनवर्स के दोनों का इनवर्स आ जाएगा। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट कितना आया वन बाय थ्री और एडजॉइंट कितना आया या एडजॉइंट माइनस टू थ्री माइनस फाइव सिक्स या मेरे पास आया इनवर्स। ये किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का तरीका है। ठीक है एक और क्वेश्चन है काफी है मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क देता हूं। आखिरी क्वेश्चन है साल द सिस्टम। आप साल द सिस्टम सिस्टम किसी भी सिस्टम में दो लीनियर इक्वेशन देनी है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन तो उसको हम लोगों ने साल कर दिया। तो आपके पास दो तरीके हैं साल बाय इन्वर्जन मेथड साल बाय क्रैमर रूल। ठीक है तो दोनों बहुत आसान है आपको आते हैं तो आप लोगों ने इसको खुद साल करना है। लास्ट क्वेश्चन में आपको होमवर्क के लिए छोड़ो। ठीक है लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम या तो ऑब्जेक्टिव करेंगे या नेक्स्ट एग्जाम स्टार्ट करेंगे। ठीक है तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा आज आप लोगों ने इनवर्स की बात कर देते हैं या इक्वल मैट्रिसेस। क्या अगर आपके पास दो इक्वल मैट्रिसेस है मैट्रिसेस कब इक्वल होती हैं इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है इक्वल मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी। ठीक है क्या अगर आपके पास दो मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं तो इक्वल मैट्रिसेस की कंडीशन क्या होती है ए बी सी डी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड डब्ल्यू। अगर आपसे कोई कहे कि दो मैट्रिसेस इक्वल है तो याद रखना दो मैट्रिसेस कब इक्वल होती है जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगी मतलब ए बराबर होगा एक्स के बी बराबर होगा वाई के सी बराबर होगा जेड के और डी बराबर होगा डब्ल्यू। ये मेरे पास इक्वल मैट्रिसेस के लिए कंडीशन है कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती है जब उनका हर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने की मैट्रिसेस को चेक करने का मल्टीप्लिकेशन चेक करने का क्या कंडीशन है कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो याद रखना अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए कोई भी मैट्रिक्स है और बी भी कोई मैट्रिक्स है। ठीक है
अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ए भी पॉसिबल है या नहीं है, अगर पॉसिबल है तो फाइंड करो। तो याद रखना दो मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकती है, इसके लिए क्या कंडीशन होती है। हम पहले मैट्रिक्स में जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे, दूसरे मैट्रिक्स में जाएंगे, नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, इन सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। के दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई होने के लिए क्या कंडीशन है, याद रखना अगर दो मैट्रिसेस आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है या कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के जब भी बराबर होगी, ये कंडीशन जहां भी फुल होगी वो दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगर इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी, देन ए बी इज पॉसिबल, मतलब ए बी की मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा ए इनवर्स, तो इनवर्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है एडिटिव इनवर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स हर मैट्रिक्स के लिए एक इनवर्स पाया जाता है, एडिटिव इनवर्स जो उस मैट्रिक्स के अंदर जमा होगा जवाब कितना देगा, नल मैट्रिक्स देगा, जीरो जवाब देगा, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, अब माइनस एफ ऐसा मैट्रिक्स होगा जो इस मैट्रिक्स ए के अंदर जमा होगा, मतलब ए माइनस ए जवाब कितना देगा, नल मैट्रिक्स, जीरो जीरो जीरो, या जो के जवाब को देगा जीरो। के एडिटिव इनवर्स मैट्रिसेस के अंदर एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो उस मैट्रिक्स के में जमा होता है, जवाब कितना देता है, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। कैसे बनता है किसी भी मैट्रिक्स का, हम एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जाते हैं, जो हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज होती है, एलिमेंट्स होते हैं, उनका साइन चेंज किया जाता है, ठीक है। अगर किसी का साइन प्लस है उसको माइनस करना है, और जिसका माइनस है क्या करना है, प्लस करना है। दूसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, हर मैट्रिक्स के अंदर एक ऐसा मैट्रिक्स पाया जाता है जो उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो, जवाब कितना दे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है उसका उसके लिए इनवर्स पाया जाता है, तो क्या कंडीशन होगी, ए जब ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा ये बराबर, या ए इनवर्स ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, जवाब क्या देगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 1, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, अगर आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बराबर होगा ए इनवर्स 1 डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन कितने स्टेप में होगा, सबसे पहले ए इनवर्स ए मैट्रिक्स लिखो, उसके बाद ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखो, ठीक है। पहला स्टेप में मैट्रिक्स लिखेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे पहला स्टेप, दूसरे मैट्रिक्स में दूसरे स्टेप में फॉर्मूला लिखेंगे, तीसरे स्टेप में ए का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, फोर्थ स्टेप में ए का एडजॉइंट निकाल लेंगे, ए का एडजॉइंट निकाल लेंगे, और पांचवे स्टेप में डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट करेंगे इनवर्स में। तो आपके पास पुटिंग वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, तो आपके पास आपका क्वेश्चन ये चार स्टेप में सॉल्व होगा, ठीक है। ये आपका आज का लेक्चर था। होमवर्क आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या है क्वेश्चन 5, साल द सिस्टम, क्वेश्चन 5 ये आपका होमवर्क है। क्या करना है, 2x + 5 = 6, 2x + 5 = 9, 5x - 2r = 8, ये दो लीनियर इक्वेशन है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। दो तरीके आपके पास, वी कैन सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ इनवर्जन मेथड एंड वी कैन सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ क्रैमर, जो आपकी मर्जी आप इसको सॉल्व करें। ओके, थैंक यू, कोई भी मसला हुआ पूछ लेना, थैंक यू।